Hi everyone, I hope you all are fine. Welcome to my YouTube channel. I am Kirti Saraswat and today I am going to tell you the recipe of choco bread idli. For this you need some slices of bread, two chocolates, and now I have cut all the slices in round shape. ये मैंने glass की shape से glass ये सारी ब्रेड की स्लाइसेस मैंने ग्लास की शेप से राउंड शेप में कट कर ली हैं। इस तरीके से आपको सारी ब्रेड की स्लाइसेस कट करनी है। अब आपको चॉकलेट के स्मॉल पीसेस करने हैं। चॉकलेट को हमने स्मॉल स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया है। नाउ यू हैव टू टेक मिल्क। अब आपको दूध लेना है। जो मिल्क आप इस ब्रेड के साइड साइड में लगाना है। एक ब्रेड स्लाइस पर आपको चॉकलेट रखनी है। ये आपने चॉकलेट रख दी। अब आप चाहें तो इसे ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हैं थोड़ा, जस्ट फॉर टेस्ट। ये चॉकलेट एक्चुअली थोड़ा मेल्ट है। अब हमें ब्रेड का दूसरा स्लाइस लेना है। इस स्लाइस पर हमें क्या करना है, ये जो फोर कॉर्नर्स है इसकी बाउंड्री है, इस पर फोर कॉर्नर्स पर मिल्क अप्लाई करना है। आप स्पून की हेल्प से इसके जो फोर कॉर्नर्स हैं, फोर कॉर्नर्स के राउंड शेप है, इस पर मिल्क अप्लाई करना है। अभी हमने मिल्क अप्लाई कर लिया है इसके पूरे राउंड कॉर्नर जो है, इसका काउंटर कॉर्नर्स तो है ही नहीं, सॉरी इट्स नॉट इन स्क्वायर शेप। इसकी बाउंड्री पर हमें मिल्क लगाना है। मिल्क हमने इसलिए यूज़ किया है सो दैट अब हम इसे इसके कवर कर देंगे इससे। अभी कुछ कुछ आपको इडली की शेप में लग रहा होगा, बट इट्स नॉट इडली एक्चुअली। मिल्क हमने इससे लगाया सो दैट ये टू स्लाइसेस बाइंड हो जाए। नाउ आई हैव टेकन अनदर स्लाइस। अब मैंने दूसरी स्लाइस ले ली है, इसको ड्राई फ्रूट से थोड़ा गार्निश कर दिया है। सिमिलरली आपको दूसरे ब्रेड स्लाइस पर मिल्क लगाना है सो दैट वो इससे बाइंड हो जाए। अब ये ब्रेड तैयार है। अब आपको इसे फ्राई करना है। जस्ट फ्राई करते टाइम क्या करना है, हमें इसे डीप फ्राई नहीं करना, इसे जैसे हम ब्रेड को बेक करते हैं उसी तरीके से करना है। इसे सिंपली जैसे हम ब्रेड को टोस्ट ब्रेड को बेक करते हैं उसी तरीके से करना है। तवे पर, इस तवे पर हमने घी अप्लाई कर दिया है। वी हैव टू कीप दिस। नाउ वी हैव टू कीप दिस। दोनों ब्रेड्स हमने कवर करके रख देनी है सिम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए। ध्यान रहे आपको लो फ्लेम पर करना है बेक, इन्हें कवर करके रख देना है लिड से। अब ये ब्रेड एक साइड से बेक हो चुकी है, सिक चुकी है। अब हमें दूसरी साइड भी इसी तरीके से ऑयल लगा के या फिर बटर लगा के इसे रख देना है। ऊपर से लिड कवर कर देना है सिम फ्लेम पर 2 मिनट्स के लिए सो दैट चॉकलेट सारी मेल्ट हो जाए, सारी ब्रेड पर स्प्रेड हो जाए। एंड योर चोको ब्रेड इडली इज़ रेडी नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।